उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। मुंह पर तमाचा मारने वाली इस घटना से मानवता भी शर्मसार हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण मुरादाबाद में जिला अस्पताल से लेकर अधिकारियों की चौखट तक दिखाई दिया, जहां 3 साल की मासूम को चोट लगने के बाद घायल अवस्था में माता पिता द्वारा मुरादाबाद के जिला अस्पताल ले जाया गया। दंपत्ति का आरोप है कि अस्पताल में पहुंचने पर 1 घंटे तक बच्ची का इलाज ही शुरू नहीं किया गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने सादे कागज पर कुछ लिख कर दिया और बच्ची को वहां ले जाने को कहा, जिसमें लिखा था TMU दिल्ली रोड पाकबाड़ा। मां की गोद में मासूम बच्ची ने आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के सामने से गुजर रहे त्रिभुवन नामक एक युवक ने दंपत्ति को सहारा देना चाहा और उनकी मदद की। अरे ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैडम, एक संबंध जिले के कुरुपति में एक महिला आई थी बच्ची को लेकर, और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, यहाँ से TMU रेफर कर दिया गया। उसने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके चलने में बच्ची की मृत्यु हुई है, और मौत होने के बावजूद भी जिला अस्पताल से जो सब वाहन होता वो भी उसे मुहैया नहीं कराया गया। इस पर क्या कहना? इस प्रकरण पर कल ही मैंने कंट्रोल रूम में आके जानकारी ली थी, और बल्कि शायद आप अभी 5-10 मिनट पहले आते तो जो अभी मीटिंग चल रही थी हमारी, और जो कल EMO मौजूद थे उनसे मेरी फ़ेस टू फेस उसी के करीब आधे घंटे बाद बात हुई थी, तो उन्होंने ही बताया कि जो मरीज़ था वो कहीं प्राइवेट में दिखा के आया था, और प्राइवेट में डॉक्टर ने बताया था कि इसको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है। तो हमारे चिकित्सालय में जब डॉक्टर ने उसको अपने पास बुलाया, बिठाया और देखा, तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि उसकी जो नाक से खून आ रहा है ये कोई लोकल ब्लीडिंग नहीं है, ये इसके दिमाग के अंदर चोट आई है। और डॉक्टर ने देखते देखते जब ये बताया कि इसके जो दिमाग में चोट है इसके लिए न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, तो तुरंत उनके मरीज के परिजन जो एक तो बच्चे को गोद में लिए थे और 2 लोग और थे, डॉक्टर साहब ने ये बताया मुझे, तो उन्होंने ये कहा कि जब न्यूरोसर्जन की सुविधा यहाँ नहीं है तो फिर हम मरीज को कहीं और ले जाएंगे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो तुम्हें भर्ती करते हैं और अपना नाम बताओ, दस्तखत करो। तो मरीज बोला कि नहीं, हमें यहाँ मरीज को नहीं रखना अगर यहाँ न्यूरोसर्जन नहीं है। तो वो पहले से लगता प्रतीत ऐसा होता है जो डॉक्टर साहब हैं उनके बयानों से कि वो पहले से यही उनके दिमाग बना के आए थे कि हमें मतलब न्यूरोसर्जरी की सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर और बहुत से मरीज थे और सभी के सामने मैंने समझाया, और मैंने ये भी कहा कि अभी भर्ती करके और उसके बाद इसको ALS से हम हायर सेंटर पर रेफ़र कर देंगे। तो जो मुझे बताया गया वो ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरा, शव वाहन हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता है, और उसके ड्राइवर भी दिन की और रात की शिफ्ट में अलग अलग होते हैं, पर जब मरीज भर्ती होगा और उसकी यहाँ पर मृत्यु होगी तब उसे शव वाहन से भेजा जाता है। गाजियाबाद में बच्चा चोरी की अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही। शहर के कई इलाकों में बच्चा चोरी की अफवाहें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे अफवाहों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। गाजियाबाद में बच्चा चोरी के शक में एक 50 वर्षीय शख्स की पिटाई के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाम क्या है? नाम मेरा नाम आविद अली है, लोकप्रिय बिहार में रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आज दोपहर? आज दोपहर जो मेरा बच्चा की तबीयत खराब थी जी, मेरा बच्चा घर से निकला डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जी, मैं घर पे नहीं था, मेरे पास फोन करा बच्चे ने कि पापा मेरी तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है मेरे को, यानी बेटा मैं दूर हूँ, मैं शाम तक आऊंगा, आप डॉक्टर के जाके दवा ले लो। वो दवा लेने के लिए वहाँ से निकला घर। नाम क्या है और कहाँ रहते हैं ये बताओ? कहाँ? अच्छा, क्या हुआ था आज? यह होता है यहाँ पर बच्चों को झलना वगैरह पकड़ पकड़े, वो हमारे तेवर थे, टीवी देख रहे थे, अभी था हम बच्चों को स्कूल ले जाने जाते, तो हमने गई थी चोट पकड़ लिया, बस आज भागो, हमारे तेवर लेकर के भागे थे, वो यहाँ दरवाजे खड़े थे, बेकसूर कहा था, पुलिस आई थी उन्हें पकड़ गए। थाना खोड़ा क्षेत्र के निवासी है अनुरंजन सिंह। आज वो करीब 1 बजे के आसपास जब प्रेम विहार नामक स्थान पर पहुंचे थे तो कुछ लोगों ने उनको बच्चा चोर समझ के उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए थाना खोड़ा पे जो IPC की करस्पॉन्डिंग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसमें कुल 16 लोगों की अरेस्ट की गई है और उनको लीगल एक्शन लेते हुए जेल भेजा जा रहा है।
बच्चा चोरी की अफवाह से बचे रहने के लिए और इसके मद्देनज़र अवेयरनेस प्रोग्राम भी पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। इसका वायलेशन इन लोगों ने किया है, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए और जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। बुढ़े नाम बता, पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहिनी है। कहाँ रहते हो? थोड़ा में। अभी कहाँ पे रहते हो आप? थोड़ा में। कौन से अच्छा रहते हो? गली नंबर 8। अच्छा एक से बताओ, हुआ क्या था? किस समय की घटना है और क्या हुआ था? हम खेल रहे थे तो पीछे से आया आदमी और मैं सिर पकड़ा यहाँ से और जीत के ले जाकर मैं सिर झटकी और आंटी के घर में घुस गई। फिर मेरी मम्मी आई। गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पैर में गोली मार पुलिस लगातार बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश सिराज पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है। लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल महानगर कैंपर द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एवं नागरिक शास्त्र महोत्सव रिफ्लेक्शन 2019 विभाग के लिए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एवं देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे नन्हे इतिहासकारों ने आज CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्वर से कहा कि इतिहास व नागरिक शास्त्र वर्तमान के निर्माण में विशेष सहायक है। इतिहास जहां हमें पूर्व का ज्ञान कराता है तो वहीं नागरिक शास्त्र का ज्ञान कराकर वर्तमान का निर्माण कराता है। युवक समारोह और इतिहास पर और नागरिक शास्त्र पर इस संसार में कोई भी दूसरा और युवक समारोह नहीं होता पूरे वर्ल्ड में। ये पूरे वर्ल्ड में ये हमारा स्कूल है जो कि हमारी डॉक्टर कल्पना त्रिपाठी जी इसकी प्रिंसिपल है महानगर की, वो इसे आयोजित करती है और इसमें हमारे पास श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट से हमारे पास डेलीगेट आए हुए हैं और हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों से आए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि यदि हम इतिहास के सबक नहीं लेते तो वी आर इफ वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री वी आर डोंट टू रिपीट इट। इसके माने कि इतिहास से हम सब नहीं लेते तो इतिहास को हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी पुनरावृत्ति न हो तो अच्छा है। प्रथम आयुद्ध हुआ, द्वितीय आयुद्ध हुआ, यूरोपियन वार हुई, इंडिया पाकिस्तान की 3 लड़ाइयां हुई, इसराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई हुई, ईरान और इराक की लड़ाई हुई, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हुई, यूरोपियन वार हुई जो मोस्ट ब्रूटल एंड मर्डर। अमरोहा के जलीलपुर मुंगरा में जलभराव के कारण विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है। गांव में जलभराव से दलित समाज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को कई बार शिकायत पत्र भी दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जलभराव के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी भयानक बीमारियां पैदा हो गई हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। ग्राम प्रधान भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरा नाम नरेश है, जलीलपुर मुंगरा का रहने वाला हूं। अच्छा। काफी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा परेशान है। खाने का भी नहीं जा रहा, किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, मुंह मारने पड़े हैं। ये बताएंगे आगे वो तो नहीं, ये मिट्टी गिरवाना, इतना शासन प्रशासन से पैसा नहीं आता है। कई बार हमने मंगल दिवस में बहुत अनेक एप्लीकेशन दी है, वो मेरे पास रखी हुई है, मैं वो दे दूंगा इनको। तो प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कोई इसमें वो रुचि नहीं ली। हमारी सारी टीम जो है CMN की, आप पूछिए जलीलपुर मोंगरा, हम जो है यहाँ दिखाना चाहेंगे, यहाँ बहुत गंदगी है, कोई प्रशासन यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र नगरी सहित पूरे देश में गुरुवार विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना धूमधाम से की गई। सागर के देवरी में सुबह से ही मूर्तिकारों के पास लोग गणेश प्रतिमा खरीदने पहुंचे। पूरे दिन प्रतिमाओं को ले जाने का तांता लगा रहा। गणेश प्रतिमा को कुछ लोग सिर पर रखकर तो कई दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों से प्रतिमाओं को ले जाते हुए नजर आए। चंद सेवा न्यास नगर में और क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक
और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वाचनालय ऐसे कार्यक्रम चला रहा है। युवा व्यवसायी श्री अलकेशी जैन के द्वारा 51 प्रतिमाएं प्रतिवर्ष ग्रामों में वितरण की जाती हैं। उसका उद्देश्य ये अपना लगातार 11 वर्षों से गणेश प्रतिमाएं स्थापना का कार्य चल रहा है और हमारी समिति स्वर्गीय त्रिवेणी लक्ष्मीचंद जैन सेवा समिति के संचालक अलकेश जैन द्वारा लगातार 11 वर्षों से प्रतिमाओं की स्थापना कराई जा रही है और इसमें उनका उद्देश्य है कि धार्मिक क्षेत्र में जिस गांव में प्रतिमाएं नहीं। नवी मुंबई के ओरन स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के गैस प्लांट में मंगलवार को सुबह भीषण आग लग गई। इस आगजनी में 4 लोगों की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में 85 मेधावियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मेडल प्राप्त करने वालों में सर्वाधिक संख्या छात्राओं की रही। रामपुर राजकीय रामपुर की ऋचा वर्मा पहले स्थान पर रही, वहीं वंद्रा अग्रवाल दूसरे स्थान पर रही। निशा खानम मिला है, किस उसमें मिला है, पूरी बात। मेरा MSc मैथमेटिक्स था, उसमें मिला है मुझे गोल्ड मेडल 84.54। एक बार में बताइए आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है और आपको किस चीज में गोल्ड मेडल मिला? मुझे MSc मैथमेटिक्स में मिला है और मेरे पापा को, मतलब पापा हैं जो, उनको बहुत था कि मुझे, मतलब मैं अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ूँ, कुछ अच्छा करूं, तो उन्हीं के उस पर हूं मैं। आगे क्या इरादा है? नेट PhD करने का। समग्र शिक्षा अभियान के सहायक परियोजना संवरक अशोक कुमार शर्मा ने मंगलवार को ग्राम पंचायत चोड़ा गांव के विभिन्न सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया तथा कमजोर शैक्षिक स्तर पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान को शिक्षण गुणवत्ता एवं स्तर सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।